नमस्कार, आप न्यूज देख रहे हैं और न्यूज इस वक्त दिल्ली में जो रैन बसेरों में लोगों के लिए खाने पीने और रहने के इंतजाम किए हैं, वहां हम पहुंचे हैं देखने कि आखिर किस तरीके से लोग रह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं जो दिल्ली में रह गए। आप देख रहे होंगे अपनी टीवी पे भी, ऑनलाइन हमारे चैनल पे भी देख रहे होंगे कि किस तरह लगातार लंबी लंबी कतारों में लोग अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन रैन बसेरों में रुके हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ कैसे रह रहे हैं, क्या तकलीफें और परेशानी उनको हो रही है और वो सरकार से क्या कहना चाहते हैं। कोरोना के बीच जब एक तरफ बहुत सारे मजदूर जो हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं, पैदल चलते हुए जा रहे हैं, उसी बीच ये जो जगह है, ये साउथ दिल्ली की एक जगह है निज़ामुद्दीन के पास, यहाँ पे जो रैन बसेरा या दिल्ली सरकार ने जो व्यवस्था कराई है, वहाँ किस तरीके से लोग रह रहे हैं, खाने के लिए कैसे मिल रहा है लोगों को और उनको क्या प्रॉब्लम है या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से, ये जानना चाहते हैं। आप ये देखिए, तमाम तरह की यहाँ व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, लेटने के लिए, बैठने के लिए, और गनीमत अभी ये है कि थोड़ा टेम्परेचर भी कम है तो लोग कम से कम ऐसे माहौल में यहाँ रह सकते हैं। लेकिन आप देखिए, तमाम तबके के लोग हैं यहाँ पे, वो लोग जो किसी काम से दिल्ली आए और उसी समय ये लॉकडाउन हो गया और उसकी वजह से वापस नहीं जा पाए। आप देखिए, अलग अलग जगह से लोग हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, और अब कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे आके रुके हुए हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप कहाँ के हैं और यहाँ क्या कर रहे थे आप, जो यहाँ पे आप आए हैं जब बंदी हुई है तो? जी, मैं यहीं रहता था, हजरत निजामुद्दीन दरगाह में, दरगाह कमेटी में काम करता था। तो वहाँ बंद होने के कारण फिर मैं यहाँ आया हूँ, और गाड़ी भी बंद, नहीं तो मैं अपने घर चले जाता। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार से हूँ, अररिया जिला से रहता हूँ। तो देखिए, बिहार अररिया के हैं, यहाँ रहने आए हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं आप कहाँ से आए हैं। तमिलनाडु से आया हूँ, तनवीर है मेरा नाम। मैं यहाँ पर आके एक जॉब पर्पस के लिए आया था, यहाँ पर आके लॉज बंद कर, एक दिन का ही लॉकडाउन का न्यूज़ सुन के यहाँ पर आया था। बाद में 7 डेज हुआ, अभी 21 डेज हुआ है। टोटली आके मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। लॉजिंग नहीं है, रूम नहीं है, फूड प्रोवाइड यहाँ पर कर रही है गवर्नमेंट ने, बट वो भी हमको आके मिलता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा, प्लीज़ 2 डेज के लिए लॉकडाउन कम कीजिए, और जो जो बस्ती जाने वाले हैं उनको प्रोवाइड कीजिए ट्रांसपोर्ट के लिए, और जो लोग जाने वाले हैं वो जाके उनके घर में सेफ से पहुंच सके। अभी कोरोना वायरस से हम यहाँ 15 डेज में मर चुके हैं, बट यहाँ पर हम यहाँ पर स्टे करें ना, वहाँ मच्छर काट ही 3 डेज में मर जाएंगे। ये देखिए, तमाम तरह की परेशानी। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ कहाँ पे बैठ के बात करिए। मैं यूपी बांदा के रहने वाला हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ यहाँ पे, मैं फंस गया हूँ, मुझे घर जाना था, नहीं जा पा रहा हूँ सर। नहीं जा पा रहे? यहाँ क्या काम करते थे आप? मजदूरी करते थे सर। मजदूरी करते थे, रहने की सोने की कोई जगह नहीं थी तो आप यहाँ पे आके खाना आपको मिल रहा है? हाँ, दरगाह में रहते थे, मजदूरी करके आते थे तो दरगाह में सो जाते थे अगल बगल। जब मालूम हुआ जब 22 तारीख को ऐसा था तो हम लोगों ने सोचा चलो 21 दिन की बात है, कोई बात नहीं, तो मालूम